सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने Vivo Y20T मोबाइल में वे किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हो और उसको अनब्लॉक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को नहीं पता होता है किस तरीके से इसमें ब्लॉक और अनब्लॉक करते हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, आपको किसी भी नंबर को ब्लॉक या फिर अनब्लॉक करने के लिए आपको अपने डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद अगर नंबर को ब्लॉक करना है तो इस पर आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है। फिर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप जिस भी नंबर को यानी कि आपको ब्लॉक करना है उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टू ब्लैक लिस्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। अब गाइज, ये नंबर आपका ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर गाइज आपको इसको निकालना पड़ेगा फिर से अगर ब्लैक लिस्ट है, तो आपको क्या करना है, ऊपर के साथ में थ्री डॉटेड लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ब्लॉक हैरेसिंग कॉल्स ऊपर ही आपसे मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखिए ब्लॉक ब्लैक लिस्ट नंबर का, तो ब्लॉक ब्लैक लिस्ट नंबर पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर वही नंबर आपको शो हो जाएगा जिसको आपने ब्लॉक किया था। तो इसको अगर अनब्लॉक करना है तो आपको क्या करना है, इस पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो लॉन्ग प्रेस करने से गाइज आपको इस पर डिलीट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डिलीट करोगे तो आपको फिर से ओके कर देना है, और ओके कर दोगे तो गाइज ये नंबर आपका जो है ब्लैक लिस्ट से हट जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आप यहाँ पर जो किसी भी नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हो और उसको अनब्लॉक भी कर सकते हो।